मैक मनी ऑनलाइन के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ मैक मनी ऑनलाइन का एक और शानदार मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए गिवे लेकर के आ गया हूँ। अगर इस वीडियो पर 2K व्यू आते हैं और फर्स्ट 5 पे कमेंट करने वाले को, फर्स्ट 5 लाइक करने वाले को और फर्स्ट 5 सब्सक्राइब करने वाले को मैं 200 रुपये का फ्री गिवे देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों गूगल पर जाकर सर्च करना है payhip.com और सिंपली आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब दोस्तों आपको गेट स्टार्ट फॉर फ्री सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद में आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगी। सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक करके इस अकाउंट को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने वाला है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, कोर्स और कोचिंग सर्विस। तो सिंपली आपको डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक न्यू टैब ओपन करना है और वहां पर जाकर सर्च करना है edufree.com। और जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे आप इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहां पर ओपन होने वाला है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फ्री व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ई बुक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी ई बुक्स देखने को मिलेंगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटिव ई बुक्स को सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है अफिलिएट मार्केटिंग। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग टाइप कर दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटिव यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर आना है और आपको यहाँ पर फोर्थ पेज को सिलेक्ट करना है। जैसे आप फोर्थ पेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव और नॉलेजेबल अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटिव ई बुक्स आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने वाला है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस इमेज को सेव कर लेना है। तो सिंपली मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद में आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली आपको डाउनलोड करने के लिए फ्री डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ईबुक यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको इस टाइटल को पूरे को कॉपी करना है। टाइटल को कॉपी करने के बाद में आपको वापस से उस वेबसाइट पर आना है। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर इस टाइटल को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वापस से उस वेबसाइट पर आना है और इस पूरी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वापस से उस वेबसाइट पर आना है और सिंपली आपको यहाँ पर नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपली आपको इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है जो आपने डाउनलोड की थी। तो सिंपली मैं इसे फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर आना है और सिंपली आपको इस ईबुक का कवर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो सिंपली मैं उस ईबुक के कवर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये कवर यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फाइनली यहाँ पर प्राइस सेट करनी है। तो प्राइस सेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर $20 सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर $5 सेलेक्ट करना है, या फिर आप इसको इस प्रकार से 5.9
$99 सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और दोस्तों आपका ये प्रोडक्ट इस वेबसाइट पर लिस्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का यहाँ पर टाइटल आ चुका है और वोज एड सक्सेसफुली, यानी कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पर सक्सेसफुली लिस्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको इस वेबसाइट का ट्रैफिक बताने वाला हूँ कि इस वेबसाइट का मंथली ट्रैफिक कितना आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मंथली ट्रैफिक 2.40 मिलियन आता है और इसका ज़्यादातर ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट कंट्री से आता है। उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी और स्पेन जैसी कंट्री से आता है, यानी कि आपकी बुक यहाँ पर आसानी से सेल हो जाएगी और आपको पर सेल पर $5 मिलने वाले हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको प्रोडक्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर टोटल व्यू 0 दिखा रहा है, टोटल ऑर्डर 0 दिखा रहा है और सेल भी यहाँ पर 0 दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने अभी ही इस प्रोडक्ट को इस वेबसाइट पर लिस्ट किया है। अगर आप इस प्रोडक्ट की लिंक को फेसबुक और ट्विटर जैसे अफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप्स में शेयर करते हैं तो आपको वहां से भी सेल आ सकती है। अब दोस्तों फाइनली जान लेते हैं कि आप अपने पैसे को विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पैसे को पेपाल अकाउंट से यहां पर आसानी से विड्रॉल कर पाएंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लिंक पेपाल अकाउंट पर क्लिक करना है और आपको अपनी पेपाल को इस वेबसाइट से लिंक कर देना है। उसके बाद में आप अपने सभी पैसे को पेपाल अकाउंट में विड्रॉल कर पाएंगे। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉच माई वीडियो।